आप या हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लिखावट से बहुत परेशान हैं। खास तौर पर माता पिता अपने बच्चों की लिखावट सुधारने के कई तरीके ढूंढते रहते हैं। कहा जाता है कि आपकी लिखावट से ही पता चलता है कि आप पढ़ने में कैसे हैं। और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेकार लिखावट से बहुत परेशान हैं। हर कोई यही चाहता है कि उसकी लिखावट सबसे सुंदर और आकर्षित हो। पर अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में क्विक सपोर्ट आपको बताएगा लिखावट में जल्दी सुधार करने का एक तरीका, वन वे टू क्विकली इम्प्रूव हैंडराइटिंग। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। लिखावट किसी भी इंसान का पहला इम्प्रेशन होती है। बेशक आज कंप्यूटर ने इंसान के काम को कम जरूर कर दिया है, लेकिन फिर भी हम लिखना कभी नहीं छोड़ते। फिर चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर किसी ऑफिस में हो, लिखने का काम हम सभी को करना पड़ता है। इसलिए हम सभी का लिखना हमेशा जारी रहता है। ऐसे में अच्छी लिखावट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके लिए तो अच्छी बात है ही, साथ ही और लोगों के लिए भी फायदेमंद है। वर्णमाला का अभ्यास करें, प्रैक्टिस द अल्फाबेट। जी हाँ, लिखावट को जल्दी सुधारने के लिए सबसे पहले आप शुरुआत से वर्णमाला का अभ्यास करें। सभी शब्दों को देखें, कौन सा शब्द आप कैसे लिख रहे हैं, शब्द सही आकार में लिख रहे हैं या नहीं। अगर आपके अक्षर तिरछे जा रहे हैं तो उन्हें सीधा लिखने का प्रयास करें। और ध्यान दें कि पहले जो आप गलती कर रहे थे, अब वो दोबारा से तो नहीं हो रही है। अपनी पुरानी गलतियों को देखते हुए नए शब्दों को अच्छी प्रकार से लिखने का अभ्यास करें। जल्दबाजी ना करें। शुरुआत में अक्षरों के मूल रूप को बनाए रखने के लिए धीरे धीरे लिखें। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में अक्षर अच्छे नहीं आते। और जब आपको मूल रूप में लिखने की आदत हो जाएगी तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी। और एक बार जब सही लिखने की आदत हो जाएगी तो हम जल्दी लिखने पर भी सही ही लिखेंगे। एकाग्रता पूर्वक लिखें। लिखते वक्त सिर्फ विषय पर ध्यान दें। अक्षरों के मूल आकार को बनाए रखें। लिखने के दौरान शब्दों के मूल आकार को बनाए रखें। उससे छेड़छाड़ न करें, उसे परिवर्तित करने की कोशिश न करें, क्योंकि प्रत्येक अक्षर का एक पूर्व निर्धारित आकार है और वो उसी रूप में अच्छा भी लगता है। अक्षरों को मन मुताबिक आकार देने की कोशिश ना करें। शब्दों की स्थिरता का ध्यान रखें। जब भी लिखना शुरू करें तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी लिखावट के शब्द और अक्षर सही स्थिति में हो। ये टेढ़े मेढ़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लिखावट सीधी नहीं है तो ये पढ़ने और समझने में बहुत मुश्किल होगी, साथ ही ये देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। स्थिति का ध्यान रखें। ये भी जरूरी है कि आप किस स्थिति में लिख रहे हैं, मतलब आप जिस सतह पर लिख रहे हैं वो बिल्कुल समतल हो, आपके हाथ का निचला हिस्सा टेबल या सतह से सटा हो, जिससे कि आपके हाथ के नीचे आधार बना रहेगा। इन सब वस्तुओं के अलावा हम किस स्थिति में बैठकर लिख रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। अतः हमेशा सही एवं स्थिर बैठकर ही लिखें। लाइन का ध्यान रखें। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए हमेशा लाइन पर ही लिखें। लाइन के ऊपर या नीचे लिखे शब्द व्यवस्थित नहीं लगते, ये बेतरतीब दिखते हैं और पढ़ने में भी परेशानी होती है। शब्दों की निश्चित दूरी बनाए रखें। एक अच्छी और आकर्षक लिखावट के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए अक्षरों एवं शब्दों के बीच एक निश्चित दूरी हो, जिससे कि उनका अर्थ सार्थक हो सके। यदि आप अक्षर एवं शब्दों के बीच में निश्चित दूरी नहीं रखेंगे तो ये असमान दूरी वाक्य का अर्थ भी बदल सकती है और आपकी लिखावट में बहुत सारी त्रुटियां हो जाएंगी। पेन या पेंसिल की स्थिति। सुंदर लिखावट चाहते हैं तो पेन या पेंसिल को बहुत अधिक कसकर या जरूरत से ज्यादा ढीला न पकड़ें। इस पर अपनी पकड़ सामान्य रूप से बनाए रखें, जो कि आपको अच्छी राइटिंग लिखने में मदद करेगा। पेन या पेंसिल को बहुत अधिक नीचे या ज्यादा ऊपर से नहीं पकड़ना चाहिए, एक निश्चित दूरी से पकड़ना चाहिए। सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान दें। लिखने के लिए हमेशा अच्छा पेन उपयोग में लें। पेन के विषय में हर किसी की पसंद अलग अलग हो सकती है,
लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि जो पेन या पेंसिल आपको आरामदायक लगे उसी का उपयोग करें। उसी प्रकार जिस पर लिख रहे हैं वो कागज भी अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, जिस पर आपकी लिखावट साफ एवं स्पष्ट तथा सुंदर दिखे। ज्यादा से ज्यादा खुद लिखें। यदि आप अच्छी हैंडराइटिंग चाहते हैं तो टाइप करना या किसी की सहायता लेकर लिखने से बचें, क्योंकि आप जितना अधिक अपने हाथों से लिखेंगे आपकी लिखावट उतनी ही अधिक सुंदर होगी। लिखने की आदत को हमेशा बनाए रखें। वैसे भी मशीनों के युग में लिखने की आदत छूटती जा रही है, नियमित रूप से लिखने की आदत आपकी लिखावट को जरूर सुधारेगी। नियमित रूप से लिखने के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालें, जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग हमेशा आकर्षक बनी रहेगी। प्रेरणा के लिए अन्य लिखावटों को देखें। See other writing for inspiration। कई बार आप इस उलझन में रहते हैं कि आप कैसा लिखें, कैसी लिखावट करें। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप अपने किसी दोस्त या किसी परिवार के सदस्य जिनकी लिखावट बहुत अच्छी हो उनका लिखा हुआ कोई पैराग्राफ अपने सामने रखकर उसका अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आप आसानी से अपनी लिखावट सुधार सकते हैं। अगर आप लिखावट में जल्दी सुधार लाना चाहते हैं तो इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें। पहला, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान दें कि कभी भी ज्यादा दबाव देकर न लिखें, इससे आपकी लिखावट बेकार हो सकती है। दूसरा, जब आप लिखावट सुधारने की शुरुआत करें तो सबसे पहले धीरे धीरे से लिखना आरंभ करें और अपने अक्षरों को सही प्रकार से लिखने पर ध्यान दें। तीसरा, कभी लिखने में जल्दबाजी ना करें, समय लगा कर लिखें, इससे आपकी लिखावट साफ और सुंदर दिखेगी। चौथा, लिखते समय एक बात का अवश्य ध्यान दें कि आपके शब्द लाइन से बाहर नहीं निकलने चाहिए। पांचवा, अक्षरों का आकार बराबर होना चाहिए, जिससे लिखना है या जिस पर लिखना है उस सामग्री का अच्छे से चयन करें, क्योंकि ये आपके लेखन को प्रभावित करता है। कोई शब्द छोटा या कोई बड़ा इस प्रकार से ना लिखें। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।